हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ संध्या आरती। शाम के 6 बज चुके हैं, तो यहाँ पर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ। और जैसे ही मैं शाम की पूजा करके आई हूँ, सीधे आकर लेट ही गई हूँ क्योंकि मुझे दर्द सा हो रहा था। तो ये वही पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो गई है, और मुझे चुप करा रहे थे क्योंकि मुझे ना असहनीय सा दर्द हो रहा था। तो इसी वजह से मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। और चाय भी नहीं मैंने शाम की पी है दर्द की वजह से, और मुझे खाना वगैरह भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो दीदी कह रही है कि ज़बरदस्ती खाओ, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ, और खाना चाहिए ऐसे में। तो बस यहाँ पर वो खाना परोस के ले आई थी, तो मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। और मेरा दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर यहाँ पर दीदी बोल रही है कि पता नहीं कब कैसे जाना पड़े हॉस्पिटल, तो सामान रख लेते हैं। तो उन्होंने ब्लैंकेट वगैरह, और मैंने तो पहले से ही बैग रेडी कर दिया था, वो भी रख दिया है, और कुछ कपड़े रखते थे वो भी सब रख रही हैं। और नीचे वाली जो दीदी है, जो मकान मालकिन है हमारी दीदी की, वो भी आ गई है। उन्होंने भी सारी पैकिंग करवा दी है कि किसी भी हाल में हमें हॉस्पिटल निकलना पड़ सकता है। इस वजह से, क्योंकि दीदी कह रही थी कि इसकी हालत देख के लग रहा है कि हमें आज रात में ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो सारे कपड़े वगैरह दीदी लोगों ने रख लिए हैं। और मुझे ना पता नहीं अजीब सा दर्द हो रहा था, कि दर्द स्टार्ट हो जाता था फिर बंद हो जाता था, तो मैं अच्छे से सबसे बोलने लगती थी, फिर अचानक एकदम से दर्द होने लगता था, तो फिर मैं एकदम से बैठ के फिर दर्द में ही रोने लगती थी। ये हाल हो रहा था, और थोड़ी देर में सही हो जाती थी, थोड़ी देर में कम हो जाता था दर्द, और ज़्यादा हो जाता था इस तरीके से। तो बस हम लोगों ने बैग पैकिंग वगैरह तो दीदी ने कर ही लिया है, और निकलना ही था कि दीदी कहीं थी बस चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध वगैरह भी इन लोगों ने दिया था कि थोड़ा सा दूध पी लो घी डालकर। तो जैसे ही मैंने दूध पिया, मुझे ना वॉमिटिंग होने लगी। तो बाथरूम में नहीं ले गई है दीदी कि यहीं पर करा देते हैं बाथरूम में, कहीं दर्द में गिर गिरा ना जाए फिसल कर। तो यहाँ पर उन्होंने जो डस्टबिन वाली बाल्टी है ना, वही रख दी है मेरे आगे, ताकि उसी में कर ले। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, वैसे ही और सर्दी भी होती जा रही है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, और सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि शाम को इतनी नहीं होती है। इस वजह से दीदी मुझे यहाँ टोपा लगा रही थी, और ये टोपा ना, वो मेरा वाला जो था वो ऊपर कोई एकदम कान के ऊपर पहुँच जाता है, इस वजह से फिर यहाँ पर मैं दीदी वाला उन्होंने लगाया है मुझे। इतना फिर भी ठीक है, फंसा सब भी रहता है सिर में। और बस फ्रेंड, यहाँ पर गाड़ी भी आ गई है, तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। देखो, हॉस्पिटल जाकर पता चलेगा कि ये जो पेन हो रहा है वो लेबर पेन ही हो रहा है, डिलीवरी का टाइम आ गया है कि नहीं, कि ये वैसा ही पेन है, क्योंकि काफ़ी लोगों को 5 दिन 6 दिन पहले से भी होने लगता है। तो इसी वजह से अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ जाकर पता चलेगा क्या कैसा होता है। अगर नहीं टाइम हुआ होगा तो वापस घर आएंगे लौट कर, और अगर टाइम हो गया होगा तो फिर आप लोगों को तो पता ही चलेगा। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, और हॉस्पिटल भी हमारा आ चुका है, हम लोग पहुँच गए हैं, और अब बज चुके हैं रात के 11। और हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर
दीदी जो डॉक्टर यहाँ बैठी हुई है उनसे बात कर रही है, कुछ पूछताछ जो उन्हें करनी है वो सब। दोस्तों शिवानी को नाइट में 11 बजे लीवर पेन होना स्टार्ट हो गया, और वो वैसे तो उसे सुबह दिन में जैसे कि 8-10-11-12 बजे से स्टार्ट था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा था उसे, जैसे कि थोड़ी हो रहा है, बंद हो रहा है, थोड़ी रुक रहा है, धीमा हो रहा है, तेज हो रहा है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं और डिलीवरी के पहले जो कुछ टेस्ट होने हैं ताकि वो अंदाज़ा लगाया जा सके कितना टाइम है अभी मेरे पास में, तो मैं अंदर जा चुकी हूँ और ये बाहर वेट कर रहे हैं। मैं दोनों एकदम सुरक्षित रहे, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ। और अभी देखिए वो लोग अंदर गए हैं और भाभी भी साथ में, और उनके मकान मालिक है नीचे वाली वो भी साथ में है, और घर से भी बार बार फोन आ रहे हैं क्या है क्या है क्या नहीं है। देखिए अभी क्या सूचना मिलती है अंदर से। मेरा तो दिल घबरा गया जब किसी को, क्योंकि दिन में तो कुछ हल्का फुल्का ही दर्द था, लेकिन शाम को 10 बजे से तो कुछ ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने लगी, तो मैंने चलो एडमिट करते हैं। सकती है और लेडी का दर्द एक लेडी जी महसूस कर सकती है। आज मैंने भी थोड़ा महसूस किया क्योंकि साथ में रहा हूँ, तो से आज शिवानी चढ़ रही मेरे उसका दर्द देख के मैंने समझा आज लेडीज का दर्द क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूं ही पहुँचते रहें। और आपको अगला जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो जल्दी मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।